एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग और न्यू हॉल वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्रिटी से ड्रेसेस जो कि आप पहन सकते हो अपने हनीमून पे। लाइक अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर हो चुकी है, आप अगर हनीमून पे जा रहे हो या फिर वैकेशन पे जा रहे हो, मैंने इनको जब स्टाइल किया है तो ऐसे स्टाइल किया जैसे कि मैं अपने हनीमून पे जाने वाली हूँ, और आप कहीं भी इनको स्टाइल कर सकते हो वैकेशन वगैरह पे। तो यस, आज का हॉल करते हैं स्टार्ट। और ट्रस्ट मी गाइस, ड्रेसेस इतनी ज़्यादा वाली प्रिटी ड्रेसेस है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रेसेस बहुत प्रिटी है, क्वालिटी सबकी ही बहुत अच्छी है, एंड ऑल्सो प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही रीजनेबल है, काफ़ी अफोर्डेबल है। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट ड्रेस के साथ जो कि मैंने इस टाइम पे वेयर की हुई है। गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा ही क्यूट सी ड्रेस है। इसका कलर देखो, इस पे ना बहुत सारे फ्लावर प्रिंट बने हुए हैं और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, आप देख ही सकते हैं। इस पे ब्लू है, पिंक है, मतलब बहुत ही क्यूट सी लगी मुझे ये ड्रेस। और इसका जो लेंथ है ना वो नी से थोड़ा सा और नीचे है, सो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बहुत ही क्यूट सी है। आप साइड में टाई ऑन देख पाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप हनीमून पे जा रहे हो तो आप इसको पहन सकते हो और इसके साथ एक अच्छा सा क्यूट सा बैग कैरी कर लेना और आपका लुक हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी प्लीट्स है, गैदरिंग है पूरी, इसके अंदर लाइनिंग भी दिया गया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, मटेरियल मुझे ना पता नहीं है कौन सा क्या मटेरियल है, तो मैं साइड में ना यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मटेरियल का नेम अगर आपको देखना है। बाकी सारे के सारे ब्रीदेबल है, समर्स में आप इनको आराम से पहन सकते हैं। गोवा जा रहे हो ना आप तो मस्ट बाय हैं ये सारे ड्रेसेस। तो यस, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। ऑल्सो इसमें ना ये जो स्ट्रैप है ना, ये एडजस्टेबल दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जिप दिया हुआ है तो जिसकी वजह से फिट बहुत क्यूट अच्छा आने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है ग्रीन कलर में। ये मुझे बहुत ही प्रिटी लगी थी यार जब मैंने ऑर्डर किया था ना, और ये एज इट इज़ आई है जैसी की थी। इसका ब्रांड ना कैच है, टोक्यो टॉकीज ब्रांड की है, कैच से मैंने मंगाया है। आप देख सकते हो फ्रंट से ये इस टाइप से है, इस पे ना फ्लावर बने हुए हैं। इसका ग्रीन कलर ना बहुत ही अच्छा वाला ग्रीन है। लाइक ग्रीन में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं बट ये वाला ग्रीन काफ़ी क्यूट लगता है। फ्रंट से ऐसे है और बैक से जो है इसमें ये ना इलास्टिकेटेड है, जिसकी वजह से इसका फिट बहुत अच्छा आने वाला है। तो अगर आप ऐसे हो कि शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनते हो, बट ऑफकोर्स आप जब हनीमून पे जाओगे तो कुछ तो नया ट्राई करना चाहोगे, तो आप इसको पहन सकते हो। क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो प्रॉपर हमारे काफ तक आ रही थी, जो एंकल लेंथ होती है ना वहाँ तक आएगी आपके। मेरी हाइट है 5'4" फॉर रेफरेंस, तो आप इसको इजीली पहन सकते हो। और इसमें ना ये जो बहुत सारे ना इसमें ऐसे करके ऐसे बहुत सारे इसमें रफल टाइप के बने हुए हैं, हर ड्रेस पे नीचे अलग अलग रफल जा रहे हैं, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है ये? मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है और फ्लेयर इसका बहुत ज़्यादा है। सो ये था हमारा सेकंड ड्रेस। इसमें साइड में कोई जिप वगैरह नहीं है, ठीक है, बट इसके जो बैक्स है ना ये इलास्टिकेटेड है, तो ये फिट इसका एकदम मस्त आने वाला है। सो नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है ये पिंक कलर में। पिंक और पर्पलिश कलर है इसका, थोड़ा सा डिफरेंट सा ही कलर है। और इसमें भी एडजस्टेबल स्ट्रैप्स मिलते हैं, फ्रंट से इस टाइप से है, ट्रायल में आप देख लेना। बहुत ही प्यारा लग रहा था यार पहनने के बाद, बहुत क्यूट लग रहा था ये। और हनीमून से मतलब नहीं, अगर आपको समर के लिए या फिर वेकेशन के लिए ड्रेसेस चाहिए ना, सो ये सारी की सारी अच्छी लगेंगी। और बैक से इसमें भी आपको सेम ये मिल जाता है स्ट्रेचेबल वाला, और इसमें भी ऐसे अलग अलग लेयर बनी हुई हैं ये वाले सारे। और यहाँ पे ना ये कुछ रफल डिटेलिंग है, मैं आपको पास से दिखाऊं, लेकिन क्वालिटी सारी ही ड्रेसेस की ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यस, मुझे ये वाले भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, अच्छी लगी और मुझे कंफर्टेबल भी लगी पहनने में। और इसकी भी ये शॉर्ट नहीं है, पूरी मतलब पूरी नीचे तक आने वाली है ये। और इसमें गाइस लाइनिंग जो है वो नहीं लगी हुई है, तो यस लाइनिंग नहीं है, बट ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, तो आप इसको पहन सकते हो। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो कि है हॉल्टर नेक डिज़ाइन में। ये तो गोवा के लिए एकदम बेस्ट लगी, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट। गोवा जा रहे हो तो ये तो ड्रेस बनती है, क्योंकि इस पे जो प्रिंट्स है ना वो एकदम गोवा वाली वाइब दे रहे हैं। आप देखो कितने ब्यूटीफुल से प्रिंट्स हैं, फ्लावर बने हुए हैं, थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा है इसको तो भाई पहन के आप कहीं और नहीं जा सकते, आपको गोवा ही जाना चाहिए। सो इसका नेक आप देखोगे ना, ये हॉल्टर नेक डिज़ाइन में है, फ्रंट ऐसा है और बैक में ऐसा है। ये बटन्स मिलते हैं आपको जिसको आप लगा सकते हो,
ठीक है। और ये है इसका डिज़ाइन पूरा, और यहाँ पे इसके साथ एक बेल्ट भी मिलती है वेस्ट पे, आपको अगर फिट अच्छा चाहिए। वैसे तो ये इलास्टिकेटेड है वेस्ट से, तो फिट तो ऑलरेडी अच्छा आने वाला है, बट फिर भी इसमें टाई अप डिटेलिंग है तो आप इसको टाई कर सकते हैं और क्यूट लगेगा। और इसका भी फ्लेयर बहुत अच्छा है, इसमें भी जो बहुत सारी लेयर्स हैं और सब में ही ना गैदरिंग वाला डिज़ाइन बना हुआ है, सो इसका भी फिट ना बहुत ज़्यादा ही प्यारा आया था। आप इसको भी परचेज कर सकते हो, और प्राइस सबके मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका भी, सो यस, इसकी तरफ भी आप जा सकते हो। सो नेक्स्ट जो ड्रेस है ना वो ये वाली है गाइस, इसका प्यारा मतलब इतना प्यारा लगना पहन के, आप इसको गोवा के अलावा भी जैसे आप जा रहे हो ना मॉल वगैरह कभी डिफरेंट लुक ट्राई करना है, अगर आप न्यूली वेरेड हो तो फिर ना आप इसको पहन सकते हो, ठीक है। इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं, इसमें भी एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, और ये ना बैक से आप देखोगे ना तो ये क्रिस क्रॉस हो रही है, कुछ इस टाइप से क्रॉस हो रही है बैक से, और इसमें साइड में ना जिप दिया हुआ है, यस इसमें इस साइड में ना सॉरी इसमें ना बैक में दिया हुआ है, एक मिनट मैं डिसाइड कर लूँ है कहाँ, यस इसमें साइड में दिया हुआ है जिप, इतना बड़ा जिप है, तो आप जब पहनोगे तो आपके वेस्ट से ऑफकोर्स ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं है, तो आप पहनोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पे इलास्टिक दी गई है जिप दिया गया है, जिससे कि फिट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल ड्रेस पे ना ये कुछ क्यूट से फ्लावर बन रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप देखो ना पेस्टल में है ये, थोड़ा थोड़ा इसका कलर बहुत ज़्यादा ये प्रिटी है। सो यस, ये बॉडीकॉन टाइप में ए लाइन टाइप में ड्रेस है, बॉडीकॉन है लेकिन ए लाइन पैटर्न जा रहा है इसका, और नीचे की तरफ ना यहाँ पे ना ये जो रफल डिटेलिंग है ये देख सकते हो आप, यहाँ पर नीचे की तरफ रफल डिटेलिंग है जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, लाइक ये ऐसी रहेगी, और ये केवल टाई करने के लिए डिज़ाइन के लिए दिया हुआ है, इसका कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। सो यस, ये वाली ड्रेस भी मुझे बहुत प्यारी लगी। नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट ये वाली ड्रेस, और ये सारी ड्रेसेस यार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है सारी ड्रेसेस की, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। ये वाली है ये स्ट्रैप में, और बैक से आप समझ जाओगे कि इसमें भी एडजस्टेबल स्ट्रैप दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइट लूज कर सकते हो। और सो इसके ना इस वाली चीज़ में भी स्ट्रैप है, सो फिट तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब फ्रंट से देखोगे ना तो फ्रंट में ना यहाँ पे गैदरिंग दी हुई है थोड़ी सी, जिसकी वजह से आपके जो बस्ट एरिया का जो फिट है ना बहुत ही औसम आने वाला है, और यहाँ पे साइड में जिप दिया गया है तो साइड की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, और ये भी ए लाइन पैटर्न में है और यहाँ पे साइड में स्लिट दिया गया है। सो ये है हमारी लास्ट ड्रेस, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी इनमें से कौन सी लगी, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी जो आप बाय करने वाले हो वो बताना। सो यस, यही है आज का मेरा हॉल वीडियो, होप कि आपको ये हॉल वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, मैं इसका पार्ट टू भी जल्दी लेके आने वाली हूँ, सो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, बेस्टीज के साथ, सिस्टर्स के साथ जिनकी भी शादी होने वाली है, सो दैट कि उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए अपने हनीमून बैग पैक करने में, ठीक है। लव यू, बाय बाय, और हाँ सारे लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक।